हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदी भारती। हम लोग रोज़ में जो है इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस को डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर में। लेक्चर 4 के पार्ट 4 में हम लोगों ने इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस को डिस्कस किया था, जनरल इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस और प्रूनिंग को। अब कुछ और अदर जो है कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं बेसाइड प्रूनिंग, उनको भी हम लोग जो है इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो रोज़ में अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो कि गुलाब में एक अच्छी क्वालिटी का उत्पादन लेने के लिए जो इसेंशियल है प्रूनिंग के अलावा, वो है थिनिंग, डिसकरिंग, पिंचिंग, डिसबडिंग, रिमूवल ऑफ यंग वेजिटेटिव शूट, डिफोलिएशन और विंटरिंग। तो चलिए वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। थिनिंग क्या प्रैक्टिस है? थिनिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल ग्रोथ लाइक इनवर्ड ग्रोथ, वीक स्टेम, ब्लाइंड शूट, क्राउडेड ग्रोथ। थिनिंग का मतलब जो आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा, जो हम जहाँ पर हम लोगों ने लाइट प्रूनिंग की बात की थी, है ना। लाइट प्रूनिंग एक तरह की जो है वो थिनिंग है, यानी थिनिंग भी एक तरह का प्रूनिंग है। देखिए जितने भी ये ऑपरेशन आप देख रहे हैं, थिनिंग, डिसकरिंग, पिंचिंग, डिसबडिंग, रिमूवल ऑफ यंग वेजिटेटिव शूट, डिफोलिएशन, ये सब एक तरह की प्रूनिंग ही है। लेकिन जब हम कुछ स्पेशल प्लांट पार्ट को स्पेशल पर्पस से हम जब रिमूव कर रहे हैं, तो ये जो है इनको हमने अलग अलग टर्मिनोलॉजी दी है। मीन्स एक तरह से आप इनको टाइप्स ऑफ प्रूनिंग भी कह सकते हैं, अलग अलग प्लांट पार्ट को रिमूव करने को, है ना। तो थिनिंग में हम क्या करते हैं, थिनिंग भी एक तरह की प्रूनिंग है। इसमें हम अनडिजायरेबल ग्रोथ, मतलब पौधे की जो अनवांटेड ग्रोथ है या अनवांटेड प्लांट पार्ट है, जैसे कि इनवर्ड ग्रोथ। इनवर्ड ग्रोथ मैंने बताया कि जो सेंटर में जो ब्रांचेस ज़्यादा हैं, उन ब्रांचेस को जो है जब आप रिमूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये इस इमेज में देखिए कि कुछ ये ब्रांचेस देखिए सेंटर में क्रिस क्रॉस टाइप में जो है वो ग्रो कर गई हैं, है ना। तो इन जो है ब्रांचेस को आपको जो जैसे रिमूव करना होता है। वीक स्टेम, कुछ कमज़ोर तने उनको, या ब्लाइंड शूट, ब्लाइंड मतलब कि स्टेम तो है पर उसमें पत्तियां या फ्लावरिंग नहीं आ रही हैं, और क्राउडेड मतलब घने। तो ऐसी ब्रांचेस को जब हम सिर्फ रिमूव करते हैं, तो ये इस तरह की जो लाइट प्रूनिंग जब हम करते हैं तो वो कहलाता है थिनिंग। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन है, वो है डीसकरिंग। डीसकरिंग का मतलब, सकर पहले जान लीजिए क्या होता है। सकर वो होता है कि जब किसी पौधे की अंडरग्राउंड स्टेम या रूट से कोई ब्रांच डिवेलप हो जाए, जब ब्रांचिंग जो है किसी भी पौधे के अंडरग्राउंड जो स्टेम की नोड है या रूट है, रूट स्टेम का जंक्शन है, वहाँ से अगर कोई ब्रांच प्रोड्यूस हो जाती है तो वह कहलाता है सकर। आप देखिए ये इमेज में, इसको ध्यान से देखिए। तो इसमें तीन सकर्स दिखाए गए हैं। देखिए एक सकर तो दिखाया है सकर ऑफ रूट, है ना। मतलब देखिए जमीन के अंडरग्राउंड पोर्शन से रूट से एक ब्रांच प्रोड्यूस हो गई है और वो अबव द ग्राउंड आ गई है। उसके बाद दूसरा सकर इधर राइट हैंड साइड में देखिए, जहाँ पर लिखा है अबव ग्राउंड सकर, यहाँ पर भी देखिए कि एकदम स्टेम के बेस वाले, जहाँ पर स्टेम का और सॉइल का जहाँ जंक्शन है, एकदम बिल्कुल उस जगह पर नोड से ब्रांचिंग हो गई है। और एक देखिए बिलो ग्राउंड सकर लिखा हुआ है, जहाँ स्टेम की तना, जो कि थोड़ा हिस्सा जिसका अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड नोड से भी एक ब्रांचिंग प्रोड्यूस हो गई है। तो इसे बोलते हैं सकर। अब इसमें इनको रिमूव करना क्यों जरूरी है? देखिए हमें पता है, हम लोगों ने जब प्रोपोगेशन में पढ़ा था कि गुलाब को जो है हमने अगर बडिंग के से प्रोपोगेट किया है, बडिंग मतलब जिसमें रूट स्टॉक और सायन दोनों अलग अलग स्पीशीज होती हैं, ठीक है। तो जो बडेड रोज होते हैं, जैसे जैसे हाइब्रिड टी या फ्लोरिबंदा में, इसमें क्या करते हैं, किसी ओल्ड रोज स्पीशीज, वो जो हो सकता है वो रोजा बॉर्बोनियाना भी हो, रोजा इंडिका या रोजा मल्टीफ्लोरा, या कोई भी ओल्ड रोज स्पीशीज या देसी गुलाब की जो स्पीशीज होती है, उसके ऊपर हम हाइब्रिड गुलाब को बड करते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब हमारा मकसद क्या होता है, हमारा मकसद ये होता है कि जो ओल्ड रोज स्पीशीज, यानी जिसको हमने रूट स्टॉक के तौर पे यूज़ किया है, वो रूट सिस्टम बनाएं, वो सिर्फ रूट सिस्टम बनाएं, और जो शूट सिस्टम है या ब्रांचेज है या शूट है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग, ये सिर्फ सायन
बड से जो प्रोड्यूस्ड शूट है उससे हो। लेकिन आप गुलाब में देखिए क्या हो रहा है कि गुलाब में जो ये सकर्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं अंडरग्राउंड, जो स्टेम के जो अंडरग्राउंड नोड है या स्टेम का जो रूट वाला पार्ट है, एक्चुअली ये रूट स्टॉक का प्लांट है जिससे ब्रांचेस प्रोड्यूस हो रही हैं। ये सायन का जो कल्टीवर आपका है उसकी ब्रांचेस नहीं है। तो इससे जो गुलाब प्रोड्यूस होगा वो गुलाब हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि वो तो देसी गुलाब की स्पेशीज है ना, वो किसी जो है ओल्ड कल्टीवर की स्पेशीज है। ये कट फ्लावर के लिए ये वेराइटी नहीं, ये हाइब्रिड वेराइटी की ये ब्रांच नहीं है जो सायन के तौर पे इस्तेमाल की गई है। तो इससे क्या होगा कि ये जो सकर्स प्रोड्यूस होते हैं ब्रांचेस, ये कभी कभी देखने में आपको लगेगा कि शायद ये साइन से ही ये ब्रांचेस प्रोड्यूस हुई हैं, है ना। तो आप ध्यान से देखिएगा कि जहाँ पर बड यूनियन होता है, रूट स्टॉक और साइन का जहाँ पर बडिंग की जाती है, उसके नीचे से पोर्शन से अगर कहीं से भी ब्रांचिंग आ रही है, तो आप बस समझ जाइए कि वो जो है साइन की ब्रांच नहीं है, वो रूट स्टॉक की ब्रांच है, या फिर वो अनडिजायरेबल वेराइटी वाली जो है ब्रांच है जिसको रूट सिस्टम बनाना था और उससे ब्रांचिंग हो गई है। आपको उन सकर्स को समय समय पर रिमूव करते रहना है। ये कहलाता है डी सकरिंग, है ना। ये जो है, तो अब आप समझ रहे होंगे कि सकर्स क्या होते हैं और गुलाब में डी सकरिंग क्यों जरूरी है। क्योंकि गुलाब में जो सकर्स प्रोड्यूस होते हैं वो हाइब्रिड वेराइटीज के नहीं होते हैं, वो रूट स्टॉक के ब्रांचेस होती हैं जो कि हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है। तो और ये सकर्स प्रोड्यूस क्यों होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो श्रब या बुश टाइप के पौधे होते हैं उनकी आदत होती है या हैबिट होती है इनमें मल्टीपल जो है स्टेम जो है प्लांट के बेस से प्रोड्यूस होती रहती हैं, है ना। श्रब की डेफिनेशन ही यही है कि वुडी परेनियल प्लांट हैविंग मल्टीपल स्टेम अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट। क्योंकि वो उन पौधों को श्रब कहते हैं जिनमें मल्टीपल स्टेम्स पौधे के बेस से प्रोड्यूस होती रहती हैं। तो गुलाब भी एक श्रब है, तो हैबिचुअली जो है गुलाब में जो इसका जो स्टेम है या रूट स्टॉक वाला पोर्शन है, ये आदतन जो है हर साल जो है सकर्स प्रोड्यूस करता रहता है। तो इनको समय समय पर आपको ये जो सकर्स हैं इनको रिमूव करते रहना है। तो ये कहलाता है डी सकरिंग। उसके बाद तीसरा ऑपरेशन है, वो है पिंचिंग। पिंचिंग कब करते हैं? पिंचिंग हम तब करते हैं जब हमें पिंचिंग होता क्या है, देखिए ये इमेज बनी हुई है जो है लेफ्ट हैंड साइड पर, आप ये इमेज देखिए। तो जब किसी भी शूट का, किसी भी ब्रांच की टिप वाले पोर्शन की ऊपर की जो टिप है 5 to 6 सेंटीमीटर, जब हम उसको रिमूव कर दें, पिंच कर दें, हटा दें, तो वो कहलाता है पिंचिंग। ये भी एक तरह की प्रूनिंग है, थिनिंग भी एक तरह की प्रूनिंग थी, डिसकरिंग भी एक तरह की प्रूनिंग है और पिंचिंग भी एक प्रकार की प्रूनिंग है। तो इसमें हम करते क्यों हैं पिंचिंग? हम पिंचिंग तब करते हैं जब सपोज दैट कि हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ फ्लावर पर ब्रांच हमें ज़्यादा मिले, पर ब्रांच या पर शूट मोर नंबर ऑफ फ्लावर्स अगर हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि हम जो है शूट है, जितनी भी शूट करेंट सीजन की है उसको पिंच कर देंगे। जब हम पिंच कर देंगे तो पिंच के नीचे जो नोड है, जहाँ से पिंच करेंगे उसके नीचे जो 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 नोड है वहाँ से और ज़्यादा साइड ब्रांचिंग होगी, है ना। तो उन साइड ब्रांचिंग पर फिर फ्लावरिंग और ज़्यादा होगी। तो पर ब्रांच या पर शूट मोर नंबर ऑफ फ्लावर प्रोडक्शन के लिए हम पिंचिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा जो प्रूनिंग टाइप है वो है डिसबडिंग। अब देखिए डिसबडिंग क्या है, डिसबडिंग पिंचिंग का जस्ट अपोजिट है। अगर आप इमेज में देखिए ध्यान से, डिसबडिंग का मकसद ये होता है कि जब हमें ज़्यादा संख्या में ज़्यादा फूल नहीं चाहिए, गुलाब की संख्या हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें संख्या भले कम हो पर अच्छी क्वालिटी का गुलाब चाहिए, है ना। तो इसमें मतलब मकसद क्या होता है कि पर शूट या पर ब्रांच जब हम एक ही फ्लावर लें पर अच्छी क्वालिटी का फ्लावर लें, तो हम क्या करते हैं कि जो उस शूट में एक बड को, एक हेल्दी बड को छोड़ करके दूसरी बड्स को रिमूव कर देते हैं, जो भी एडिशनल और बड्स आती हैं उनको रिमूव कर देते हैं। तो होता क्या है इससे कि उन बड्स में जो न्यूट्रिएंट या वाटर का ट्रांसलोकेशन हो रहा होता है वो सब डाइवर्ट होके एक ही बड में ट्रांसपोर्ट होता है। तो वो बड बड़ी हेल्दी और स्ट्रांग और बहुत ही ज़्यादा
जो है विग्रस प्रोड्यूस होती है, अच्छी क्वालिटी का गुलाब एक शूट में प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो ऐसा हम जनरली कट फ्लावर में ये डिसबडिंग प्रैक्टिस ज़रूर करते हैं, क्योंकि जो है हमें अच्छी क्वालिटी का गुलाब हमारा वहाँ ऑब्जेक्टिव होता है, ना कि नंबर ऑफ रोज़ेस। क्वांटिटी हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता, क्वालिटी होता है। तो देखिए इमेज में दिखाया है कि सिर्फ सेंटर की जो बड है उसको रहने देते हैं, और साइड की दोनों बड, जो छोटी छोटी बड आपको दिख रही हैं, साइड की इन दोनों बड्स को रिमूव कर देते हैं, है ना। तो ये टेक्निक कहलाती है डिसबडिंग। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, कीपिंग ओनली द सेंट्रल बड एंड रिमूवल ऑफ अदर, बाकियों को रिमूव कर दीजिए, कॉज डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी ब्लूम, जिससे कि क्वालिटी ब्लूम का डेवलपमेंट होता है। किसमें किया जाता है? स्टैंडर्ड रोजेज, हाइब्रिड टी या फिर फ्लोरिबंदा टाइप के रोजेज में। उसके बाद पांचवा इंटरकल्चरल प्रैक्टिस है रिमूवल ऑफ यंग वेजिटेटिव शूट। यंग वेजिटेटिव शूट, इसको डी, ये भी एक तरह की प्रूनिंग है, इसको डी शूटिंग बोलते हैं। यंग वेजिटेटिव शूट का मतलब कि ये कह रहा है कि कभी कभी जैसे प्रूनिंग आपने कर दी, उसके बाद जब नई ब्रांचेज आती हैं या नई ग्रोथ आती है, तब भी आप, हो सकता है कि कुछ ब्रांचेज जो है गलत डायरेक्शन में ग्रो हो गई हो, या गलत डायरेक्शन में जो है उगाई हो, है ना। तो उन जो कि आपको लगता है कि ये अनडिजायरेबल है, इस ये जो प्रूनिंग के बाद ये जो नई ब्रांच आई है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो उस यंग ब्रांच को आप उसी वक्त जब आप रिमूव कर दें, तो वह कहलाता है डी शूटिंग। ध्यान रखिएगा, जब ओल्ड ब्रांचेस को आप कट करते हैं तो वो प्रूनिंग में आ गया या थिनिंग में आ गया, है ना। लेकिन जब आप प्रूनिंग के बाद जो नई ब्रांचेस ग्रो होकर के आई हैं, उनमें भी अगर कोई ब्रांच आपको लगता है कि अनडिजायरेबल है या अनडिजायरेबल डायरेक्शन में ग्रो कर गई है, तो उसको जब आप रिमूव करेंगे तो वो कहलाता है जो है डी शूटिंग। तो ये कहीं से भी अराइज हो सकती है, लीफ की एक्सिस से भी हो सकती है, या फिर ना बेसल लीफ जो टर्मिनल लेटरल शूट से भी हो सकती है। तो जब आप डिसाइड करें कि नहीं, हमें इतनी ही ब्रांचेस रहने देनी है या इतनी ही शूट रहने देनी है और एक्सेस को हटा देनी है, तो वो कहलाता है डी शूटिंग। उसके बाद है डीफोलिएशन। डीफोलिएशन नाम से ही पता चल रहा है, डी मतलब हटाना, फोलिएशन मतलब पत्ती, जो पत्तियों का रिमूवल, रिमूवल ऑफ लीव्स फ्रॉम द रोज प्लांट, है ना। एक्सेस लीव्स को भी जो है रिमूव करना भी एक तरह की जो है प्रूनिंग है, और ये भी गुलाब, अच्छी क्वालिटी के गुलाब उत्पादन के लिए ज़रूरी है। क्या कह रहा है ये? रिमूवल ऑफ लीव्स फ्रॉम रोज प्लांट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ ब्लाइंड शूट। इससे क्या होगा, जब कुछ पत्तियों को जब गुलाब के पौधे से रिमूव कर देंगे, तो कुछ ब्लाइंड शूट प्रोड्यूस होंगी। ब्लाइंड शूट मतलब जिनमें पत्तियां नहीं होंगी, उनमें क्या होगा, सिर्फ बड्स होगा, है ना। होता क्या है कि जब हम पत्ती रिमूव कर देते हैं, तो पत्तियों से जो वाटर का ट्रांसपिरेशन हो रहा है ना, पत्तियां लगातार पानी ट्रांसपायर करती रहती हैं, तो वो वाटर और जो फूड मटेरियल जो थोड़ा बहुत ब्रांचेज में जो स्टोर है, वो सारा का सारा फूड और वाटर जा करके बड के पास एक्यूमुलेट होने लगता है। बड़ी तेजी से जो बड्स हैं वहाँ पर चला जाता है, क्योंकि सारी पत्तियाँ हट चुकी हैं, तो उन बड्स में ग्रोथ होने के लिए सारा का सारा फूड और वाटर डाइवर्ट होने लगता है ना। तो इस तरह से बड़ी जो बड होती है वो बड़ी तेजी से स्वेल करती है और ग्रो करने लगती है। तो इस तरह से बड ग्रोथ को और अच्छे फ्लावर बड को ग्रो करने के लिए, हेल्दी फ्लावर बड को ग्रो करने के लिए हम कभी कभी डिफोलिएशन भी करते हैं। उसके बाद लास्ट इंटरकल्चरल प्रैक्टिस है, वो है विंटरिंग। विंटरिंग क्या होता है, ये आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो सितंबर अक्टूबर के टाइम पे जब प्रूनिंग का जो टाइम होता है, जिस समय गुलाब में प्रूनिंग किया जाता है, उस समय आपने देखा होगा कि छटाई के बाद उस पौधे के आसपास खूब गहरी गुड़ाई कर दी जाती है और जड़ों को एक्सपोज कर दिया जाता है ना। जड़ें थोड़ा सा उभार के उभर सी जाती हैं और पानी की सिंचाई रोक दी जाती है ना, करीब 1 महीने तक के लिए। तो इससे क्या होता है कि गुलाब को जो है स्ट्रेस फील होता है, मतलब वाटर को लेकर के, और जो उसकी रूट एक्सपोज हो गई है, तो प्लांट को स्ट्रेस स्टिमुलस मिलता है, जिससे वो जैसे ही जो है उसकी डोरमेंसी पीरियड ओवर होता है, और जैसे ही मतलब 1 मंथ पीरियड के बाद डोरमेंसी ओवर होती है, तुरंत जो है ढेर सारा जो है फ्लावरिंग और लीफ जो है
पौधा प्रोड्यूस करता है। तो विंटरिंग जो है प्रोफ्यूज फ्लावर प्रोडक्शन के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस है ना। तो इसमें क्या है, रूट एक्सपोजर, रूट को एक्सपोज करते हैं अलोंग विद विदहोल्ड इरिगेशन, साथ ही साथ सिंचाई को भी रोक दिया जाता है फॉर ए मंथ टू इंड्यूस फ्लावरिंग, जिससे पौधे में अच्छी तरह से फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाए। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि विंटरिंग जब कराते हैं तो प्लांट में बहुत सारे जो फ्लावर प्रोड्यूसिंग हार्मोन है उन वो एक्टिवेट हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे फ्लावर प्रोड्यूसिंग हार्मोन जैसे फ्लोरिन नाम का जो केमिकल है वो प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द जिब्रेलिक एसिड। तो ये जो हार्मोन है इनको एक्टिवेट करने के लिए विंटरिंग किया जाता है। तो देखिए, ये जो ऑपरेशन थे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ जनरल कल्चरल प्रैक्टिसेस हम लोगों ने देखा, और इस लेक्चर में हम लोगों ने स्पेशल कल्चरल प्रैक्टिसेस देखा जो कि रोज़ में क्वालिटी गुलाब के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। अब उसके बाद नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का जो गुलाब को कब हार्वेस्ट करेंगे, कैसे करेंगे, ये भी मैटर करता है। तो देखिए, कट फ्लावर और लूज फ्लावर के गुलाब का हार्वेस्टिंग का जो हार्वेस्टिंग का जो क्या कहते हैं मैच्योरिटी पीरियड है वो अलग अलग है। अब अगर कट फ्लावर का गुलाब उत्पादन हुआ है, गुलाब उत्पादन कर रहे हैं आप, तो कट फ्लावर को कैसे इंडिकेट करेंगे कि हार्वेस्टिंग के लिए फ्लावर रेडी है, वो उसका मैच्योरिटी इंडेक्स है टाइट बड स्टेज, यानी कट फ्लावर को हम टाइट बड स्टेज में हार्वेस्ट करेंगे, यानी जब जो बड है आपकी वो काफ़ी टाइट हो, यानी बड अभी ओपनिंग उसमें मतलब शुरू भी हो गई है लेकिन बड अभी बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हुई हो, मतलब रेडी टू ओपन है ना। उसकी जो सेपल्स है या पेटल्स वगैरह वो बस ओपन होने के लिए रेडी है पर अभी भी बड जो है वो टाइट है, उसी स्टेज में हम फ्लावर को हार्वेस्ट कर लेंगे। ठीक है ना, देखिए लिखा है व्हेन द बड शोज फुल कलर, बड जो है कलर दिखने लगता है उसमें, सेपल्स थोड़ा थोड़ा सा अलग होकर के अंदर से पेटल्स का कलर दिखने लगता है पर पेटल जो है अभी ओपन नहीं हुई होती, अनफोल्ड नहीं हुई होती, तभी हमें जो है कट फ्लावर को स्टेम सहित हमें हार्वेस्ट कर लेना है। ठीक है, इस स्टेज पे हार्वेस्टिंग से क्या फ़ायदा होगा कि फूल जो है हमारा उसकी वास लाइफ लंबी होगी, क्योंकि देखिए फूल जो है आपके यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके मार्केट जाएगा, मार्केट से फिर वो कंज्यूमर के हाथ में, तो इसके बीच में लगभग 4 से 6 दिन या कभी कभी 1 वीक का अंतर हो जाता है। तो कंज्यूमर के हाथ में पहुँचने तक जो है फ्लावर की ओपनिंग थोड़ी थोड़ी सी लगभग 20-25% फ्लावर ओपन हो जाता है, उस स्टेज पर कंज्यूमर फ्लावर को खरीदता है ना। और साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी रहता है टाइट बड स्टेज में हार्वेस्ट करने पर, फ्लावर जो है उसका कलर और फ्रेशनेस वो सब बरकरार रहती है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए एग्जाम में, बहुत बारी पूछा भी जाता है कि कट फ्लावर का मैच्योरिटी इंडेक्स क्या है या कब हार्वेस्ट करते हैं, तो आप बताइए टाइट बड स्टेज में। उसके बाद क्या है लूज फ्लावर, लूज फ्लावर को क्योंकि लूज फ्लावर को हम जो है हार्वेस्ट जो करते हैं वो उसके एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए करते हैं, या हम लोग जो है पूजा अर्चना के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी तरह के फ्लोरल ऑर्नामेंट बनाने के लिए जैसे गार्लैंड वगैरह बनाने के लिए इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में हमें फुली ओपन फ्लावर चाहिए, है ना। फुली ओपन हो, पर अगर इतना ध्यान रखना होता है कि फ्लावर फुली ओपन हो पर अभी भी उसमें जो है वोलेटाइल ऑयल हो, अगर ऑयल एक्सट्रैक्शन करना है ना, तो फ्लावर फुली ओपन हो जाए और जिस समय उसमें जो है वोलेटाइल ऑयल का कंटेंट ज़्यादा रहता है उस समय हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर जो है मैच्योर फ्लावर नहीं होना चाहिए क्योंकि वोलेटाइल ऑयल 2 या 3 दिन तक फूल में रहता है, उसके बाद जो है आप देखते हैं कभी कभी गुलाब पूरा खिला रहता है पर उसमें खुशबू बिल्कुल नहीं आती है ना। तो वो इसलिए होता है कि जो खुलते ही समय आप देखते हैं जैसे ही पूरी तरह से, आपने देखा होगा देसी गुलाब जब पूरा खिलता है तो जिस दिन खिलता है पूरा उस दिन खुशबू रहती है, उसके अगले दिन थोड़ी रहती है और तीसरे दिन उसकी खुशबू पूरी हट जाती है, यानी वो वोलेटाइल ऑयल उसका सब इवेपोरेट हो जाता है। तो उस टाइम से पहले ही आपको फ्लावर को हार्वेस्ट कर लेना है, तब उससे इसेंशियल ऑयल हो आप जो है एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। उसके बाद टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट का टाइम क्या होना चाहिए, टाइम का जो हार्वेस्टिंग है वो अर्ली मॉर्निंग में, यानी धूप खुलने से पहले, बिफोर सनराइज, अर्ली मॉर्निंग, या जो है आफ्टर लेट आफ्टरनून, यानी दोपहर के बाद जो है अगर
सुबह नहीं कर पाए हैं तो लेट आफ्टरनून में करिए, जब सन एकदम सेट होने वाला हो, धूप एकदम जो है जाने वाली, यानी शाम शाम के टाइम पर एकदम। तो इससे क्या होगा कि फ्लावर बड को कोई डैमेज नहीं होगा, क्योंकि दोपहर में या हाई जब सनलाइट की प्रेजेंस में आप हार्वेस्ट करेंगे तो उस समय पौधा वैसे ही, उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा वाटर लॉस वो कर रहा होता है, उसकी बॉडी में वाटर का कंटेंट कम होता है। ऐसे में फ्लावर हार्वेस्ट करेंगे तो जो फ्लावर है उसमें वाटर का कंटेंट ऑलरेडी कम रहता है, और मॉर्निंग में हार्वेस्ट करते हैं तो मॉर्निंग में क्या होता है कि मॉर्निंग में जो है पूरे प्लांट में जो है वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, हर सेल और हर प्लांट पार्ट फुली टर्जिड होता है, तो ज़्यादा वाटर एक्यूमुलेट रहता है, तो पौधा जो फ्लावर है आपका कट फ्लावर हार्वेस्टिंग के बाद भी वो लंबे समय तक उसकी शेल्फ लाइफ बनी रहती है ना। तो यही लिखा है, देखिए, लेट हार्वेस्ट रिजल्ट्स इन शॉर्ट वाज लाइफ, यानी फूलदान में उसकी उम्र कम हो जाएगी अगर लेट में हार्वेस्ट कर। लेट हार्वेस्ट मतलब कि सनराइज के बाद आपने किया या दोपहर में हार्वेस्ट कर लिया, और उसी तरह कट फ्लावर में भी और उसी तरह लूज फ्लावर में भी अगर आपने सनराइज के समय आफ्टर सनराइज हार्वेस्ट किया तो ऑयल का कंटेंट कम हो जाता है। और लेकिन ग्रीन हाउस में ये नहीं होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे कि ग्रीन हाउस में तो वो प्रोटेक्टेड कंडीशन होती है, तो उसमें हर 2 घंटे पे कभी भी आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद स्टेम को तुरंत ही जो है साफ पानी में जो है बकेट में कलेक्ट कर दिया जाना चाहिए जिसमें पानी भरा हो, है ना, ताकि जो है जो स्टेम है जो कि अभी मदर प्लांट से उसकी कॉन्टिन्यूटी टूट चुकी है, वाटर का उससे कनेक्शन टूट चुका है, तो तुरंत जो है पौधे को स्टेम को पानी में हमें डिप करके रख देना चाहिए जिससे कि पौधा हाइड्रेट होता रहे, है ना, वाटर की एंट्री उसमें बनी रहे। उसके बाद नेक्स्ट है ईल्ड। ईल्ड जो है बहुत सारे, कितना मतलब उत्पादन कितना होता है, तो ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। कल्टीवर कौन सा है, पौधे की डेंसिटी मतलब कितनी कितनी दूरी पे पौधा लगा हुआ है ना, फ्लावरिंग का ड्यूरेशन क्या है, मतलब कुछ वैरायटी हैं जो 1-2 महीने के लिए ही फूलती हैं, कुछ वैरायटी हैं 3 3 महीने या 4 महीने तक के लिए फ्लावरिंग देती हैं, तो इन सब चीज़ों पे ईल्ड डिपेंड करती है। प्रूनिंग मेथड कौन सा है, न्यूट्रिशन मतलब खाद और फर्टिलाइज़र कितना दिया गया है, या दूसरी जो कल्चरल प्रैक्टिसेज हैं वो टाइम टू टाइम अडॉप्ट की गई हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें यील्ड को जो है प्रभावित करती हैं। लेकिन फिर भी एन एवरेज आउटडोर प्रोडक्शन देखा गया है कि 60 से 80 फ्लावर पर मीटर स्क्वायर पर ईयर मिलते हैं कट फ्लावर के। कट फ्लावर का 60 to 80 फ्लावर पर मीटर स्क्वायर पर ईयर प्रोडक्शन होता है, तो उस अकॉर्डिंग मतलब जो है पर हेक्टेयर का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो है यील्ड का जनरल कट फ्लावर का दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद जनरल रिक्वायरमेंट क्या है कट फ्लावर की एक्सपोर्ट के लिए, मतलब अगर ओपन कंडीशन में आपने कल्टीवेशन किया है तो कट फ्लावर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो बिक सके, तो स्ट्रेट होना चाहिए, मतलब उसकी जो स्टेम है फ्लावर की वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए जिससे कि फ्लावर आसानी से मतलब उसमें टिका रहे। कभी कभी आपने देखा होगा कि फ्लावर जो है स्टेम से कभी कभी नेक के पास जो है वहाँ पर सड़ सड़ जाता है और बड जो है वो गिर जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट स्टेम होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए जो कि फूल को एकदम सीधा खड़ा रख सके स्ट्रेट पोजीशन में। यूनिफॉर्म स्टेम लेंथ होनी चाहिए, यानी जितना भी आपने कट फ्लावर प्रोड्यूस किया है सभी की स्टेम यूनिफॉर्म लेंथ की होनी चाहिए, टाइट बड स्टेज में होना चाहिए। फ्लावर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ओपन स्लोली स्लोली ओपन वाली होनी, ये नहीं कि आपने हार्वेस्ट कर लिया और 3 4 दिन में ही पूरा फूल खिल गया, धीरे धीरे ओपन होने वाली क्वालिटी होनी चाहिए। साइज ऑफ द फ्लावर शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कल्टीवर, जो कल्टीवर आपने बोया है उस कल्टीवर की जो कैरेक्टरिस्टिक है आपके प्लांट में या आपके कट फ्लावर में वो कैरेक्टरिस्टिक दिखनी चाहिए। साथ ही साथ फ्लावर में किसी भी तरह का धब्बा दाग नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का डैमेज नहीं होना चाहिए, है ना, इंजरी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह डिजीज इंसेक्ट पेस्ट का अटैक नहीं होना चाहिए, फ्रेश दिखना चाहिए पूरी तरह से फ्लावर। और फ्लावर शुड हैव मोर नंबर ऑफ पेटल्स अरेंज्ड कैपेसिटी, और फ्लावर जो होना चाहिए उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पेटल्स होना चाहिए जो कि बहुत ही सिस्टमेटिकली अरेंज्ड हो।
तो ये जनरल रिक्वायरमेंट है कट फ्लावर की फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट, है ना। तो इस क्वालिटी का वो गुलाब उत्पादन जब आप ओपन फील्ड कंडीशन में करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए सूटेबल है। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि ओपन फील्ड कंडीशन में कैसे गुलाब की खेती करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में गुलाब की खेती के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में करना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू ओपन कंडीशन। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।